अस्सलाम वालेकुम। क्लास फोर लास्ट वीडियो में हमने आपकी लेटेस्ट रिवाइजेशन की एक्सरसाइज नंबर जी तक एक्सप्लेनेशन दी। आज हम जी के बाद एच से लेके एल तक यानी कंप्लीट जितनी एक्सरसाइज रह गई उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एच। इसमें कह रहे हैं यूज ए और एन। बेटा ए और एन आर्टिकल्स हैं जो आप कुछ वर्ड से पहले लगा रहे हैं। आपने बस याद ये रखना है कि एन हमेशा आप ऐसे वर्ड के पहले लगाते हैं जिसमें साउंड वॉवल का आता है। जैसे एप्पल, तो एप्पल में ए साउंड वॉवल का आ रहा है ना, तो इसलिए मैं उसे कहूँगा एन एप्पल, ठीक है। इसी तरह से ऑरेंज, तो मैं उसे कहूँगा एन ऑरेंज, ठीक है। इसी तरह से अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में मैं उसे कहूँगा एन अम्ब्रेला। बाकी जितने भी वर्ड होंगे जिसमें वॉवल्स का साउंड नहीं आ रहा होगा, याद रखिएगा मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, मैं अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा लेटर हो जो यू से स्टार्ट होता हो, जैसे ए ई आई ओ यू में यू वॉवल है ना, अब यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसमें साउंड वॉवल वाला नहीं आ रहा, तो फिर उसके पीछे एन नहीं लगेगा। जैसे मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी की, तो मैं एन यूनिवर्सिटी नहीं कहूँगा, मैं आ यूनिवर्सिटी कहूँगा। क्यों? क्योंकि यू का जो साउंड होता है वो यू नहीं होता, वो आह होता है। तो इसलिए आपको आह ए एह आ आई जो आपने एबाकडा मोंटेसरी में पढ़ के आए, उन साउंड्स की मदद से आपको वॉवल्स फाउंड करने, और जिसमें वॉवल का साउंड आ रहा हो उससे पहले एन लगा, ठीक है। तो अब देखें नंबर वन में लिखा वी गेट लेट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, ऑफ कोर्स क्योंकि यहां पे वॉवल का साउंड आ रहा है। हुमा लिव्स इन अ लार्ज हाउस, क्योंकि लार्ज में ल ये वॉवल साउंड नहीं है, इसलिए मैं यहां अ लगाऊंगा, ठीक है जी। बस इसी तरह आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेंगे। अगली एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन। सूटेबल प्रोनाउन का मतलब ये कि भाई जहाँ आपको सही प्रोनाउन दिख रहा है वो आप लगा रहे हैं। पहले ये समझ लें प्रोनाउन है क्या। बेटा प्रोनाउन हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो हम किसी नाउन की जगह यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कोई ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं बार बार उस पर किसी बच्चे का नाम नहीं लिखूँगा, ऐसे मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ शबी लिव्स इन कराची, शबी गोज टू स्कूल डेली, शबी ईट्स बिरयानी, वो बहुत अजीब सा लगता है, राइटिंग का जो एक मज़ा होता है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हम लोग नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं। अब हम शबी पहली बार यूज कर लेते, फिर बार बार शबी को रेफर करने के लिए शबी की जगह ही लगाते हैं। इस तरह अगर कोई लड़की हो तो उसकी जगह हम शी लगाते हैं। या अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके हमें जेंडर के बारे में नहीं पता, जैसे टेबल, जैसे ग्लास, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम इट यूज कर लेते हैं, तो ही शी इट तो बाजू हो गया। एक और प्रोनाउन होता है जिसे हम कहते हैं दे। कब यूज करते हैं? जब हम एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, यानी दो लड़के हो गए, एक लड़का एक लड़की हो गए, या बहुत पूरी कोई क्लास हो गई, तो उनकी जगह हम दे यूज कर रहे हैं। ये सारे वो प्रोनाउन हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, माय अम्ब्रेला इज ब्रोकन डैश नीड्स रिपेयर। तो अब आप ये सोचिए यहाँ ये किसकी बात कर रहे हैं, किसको रिपेयर चाहिए? अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं। अम्ब्रेला क्या है, लड़का है लड़की है, आपको नहीं पता है? नहीं पता है तो आप क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे, इट नीड्स रिपेयर। अगली चीज, द थीफ कुडंट सी हाउस डैश डिडंट हैव टॉर्च। उसके पास टॉर्च नहीं थी, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? थीफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर देखें, नॉर्मली वैसे इधर भी आपको इट ही लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने देखा है नॉर्मली जब भी हम थीफ की स्टोरीज पढ़ रहे हो तो हम उसमें ही पढ़ रहे हो, तो इसलिए आप यहाँ ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि बुक में ही दिया हुआ है इसलिए मैंने ही लगाया वर्ड में, क्योंकि जब आपको नहीं पता हो ना जेंडर तो आप तब आप इट लगाते हैं, ठीक है। अगला, सर्कल द एडवर्ब। एडवर्ब कहते हैं बेटा किसी भी ऐसे वर्ड को जो वर्ब को एक्सप्लेन करे, किसी काम को एक्सप्लेन करे। जैसे मैंने पहले एडजेक्टिव समझाया था आपको, एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन की क्वालिटी पता है, शबी कैसा है, अली कैसा है, या कोई कराची कैसा है, या टेबल कैसी है, भाई कलर उसका कैसा है, उसका साइज कैसा है। इसी तरह से जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब का मतलब होता है वर्ब में ऐड करना, वर्ब में कोई मीनिंग ऐड करना। जैसे He is singing. अब वो सिंग कर रहा है, कैसा सिंग कर रहा है? खूबसूरत सिंग कर रहा है, खूबसूरत सिंग कर रहा है, या फिर खूबसूरत सिंग नहीं कर रहा है, ठीक है जी। या फिर अगर वो भाग रहा है तो वो तेज भाग रहा है या वो स्लो भाग रहा है, ठीक है जी। या फिर अगर वो चल रहा है तो वो कैसा चल रहा है। तो इस तरह से अगर आप किसी के वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। देखें यहाँ लिखा हुआ है द नाइट एंगल सैंग स्वीटली या नेस्टली इन द नाइट। आपने डिसाइड करना है नाइट एंगल ने यानी बुलबुल ने कैसा गाया। तो अब आप खुद बताएं, नेस्टली का मतलब होता है गंदा, बुरा,
और स्वीटली मतलब होता है अच्छा, तो कैसा गाएगी? ऑफ कोर्स स्वीटली गाएगी, आप उसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। अगला इसी तरह से सूटेबल प्रीपोजिशन यूज करें। बेटा प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो किसी भी चीज की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ है। अब कुछ प्रीपोजिशन जो आपकी बुक में यूज हुए हैं उनके बारे में आपको बेसिक गाइडलाइन देता हूँ कि कैसे कहाँ पे यूज करते हैं, फिर उनमें से हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स यूज करते हैं। सबसे पहली मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है अंदर, तो अगर कोई चीज किसी के अंदर है तो मैं उसे इन कहूँगा, ठीक है। जैसे द वॉटर इज इन द जग। ऑन होता है ऊपर, कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हो, फर्श करो टेबल के ऊपर कॉपी रखी हुई, तो मैं कहूंगा द कॉपी इज ऑन द टेबल। ओवर होता है ऊपर से गुजर जाना, जैसे फर्श करो मेरे घर के बाहर एक फेंस लगी हुई, फेंस पता है ना मुझे ग्रिल टाइप की होती है, और एक डॉग ने उसके ऊपर से जंप की, तो अब ये इन भी नहीं है ऑन भी नहीं है, ये है ओवर, द डॉग जंप ओवर द फेंस, ठीक है जी। इसके बाद एक वर्ड आता है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है लेंथ में पूरा छा जाना, मतलब यहां से लेके वहां तक, इसे हम कहते हैं अक्रॉस, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह से एक वर्ड होता है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे। इसी तरह एक वर्ड होता है बिटवीन। बिटवीन मतलब दो चीजों के बीच में, ठीक है जी। इसी तरह एक वर्ड होता है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू कहते हैं बराबर में। जैसे अगर मेरे बराबर में एक ट्री हो तो मैं कहूंगा शबी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द ट्री, ठीक है जी। इस तरह से आप ये सारे प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको कन्फ्यूजन हो आप मेरी वीडियो वापस रिवाइंड करके सारे वर्ड्स एक बार सुन लें, उन्हें लिख लें कौन कौन से कहाँ कहाँ लिखते हैं, फिर आप इस एक्सरसाइज को करें, आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। तो पहला है ऑल डर्टी प्लेट्स आर डैश द सिंक। सिंक क्या होता है बेटा? वो बर्तन धोने की जो जगह होती है ना, बेसन होता है जहाँ पर बर्तन धोते हैं उसे सिंक कहते हैं। तो मुझे बताया जो डर्टी प्लेट्स होंगे वो सिंक के अंदर होंगे ऊपर होंगे कहाँ होंगे? ऑफकोर्स उस सिंक के अंदर होंगे क्योंकि वो गहरा होता है। यहाँ पे आप इन लगा देंगे। द बोट सेल डैश द रिवर। बेटा रिवर इस तरह से लंबा होता है, बोट ने सेल किया, सेल किया मतलब वो चली, तो ऐसे पूरी लंबाई में चली ना, इसे हम क्या कहते हैं? अक्रॉस। द बोट सेल अक्रॉस द रिवर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब हम लोगों ने आखिरी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको और बट और एंड यूज करना है। देखिए बेटा और का मतलब होता है या, यानी जब आपको चॉइस दी हुई हो, कोई दो चीजों के बीच में चॉइस हो तो आप और इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू यू वांट एन आइसक्रीम और बिरयानी, तो मैं यहाँ चॉइस दे रहा हूँ या आइसक्रीम या बिरयानी। एंड का क्या मतलब है? एंड का मतलब होता है और, यानी मैं किसी चीज को ऐड कर रहा हूँ कि भाई आई विल गिव यू आइसक्रीम एंड बिरयानी, मैं दोनों चीजें आपको दूंगी, यहाँ मैंने चॉइस नहीं दी। बट क्या होता है? बट का मतलब होता है लेकिन, यानी जब कभी कॉन्ट्रेडिक्शन आ जाए, एक जुमला मैंने बोला और उसकी मैं अपोजिट बात करूँ, तो तब मैं बट यूज कर रहा हूँ। जैसे आई लाइक मैंगो बनाना बट नॉट ग्रेप्स, तो ये मैंने अपोजिट बात बोली ना, मुझे बनाना पसंद है, मैंगो पसंद है, लेकिन ग्रेप्स पसंद नहीं है। तो जब आप इस तरह का वर्ड यूज करते हैं तब आप बट यूज करते हैं। अब हम कर रहे हैं जो सेंटेंसेस की क्या कर लेते हैं। वुड यू प्रेफर टू गो फॉर अ मूवी डैश अ पिकनिक। अब देखिए यहाँ पे हमें देख के पता लगता है कि यहाँ पे एक चॉइस दी जाती है, क्या तुम मूवी जाना चाहते हो या पिकनिक जाना चाहते हो? तो ऑफ कोर्स जब चॉइस होती है ना हम और लगाते हैं, ठीक है। अब असल में जो सिंगल सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें आपके पास पूरी पीछे की स्टोरी नहीं होती, तो इसलिए जरा सा कंफ्यूजन होती है कि सर हम यहाँ एंड भी तो लगा सकते थे, हमें थोड़ी पता है कि जो है ना बच्चे को जो है वो चॉइस दी जा रही है, वो उसके जो पापा है वो बोले नहीं मैं तुम्हें दोनों जगह लेके जाना चाहूँगा। तो आप इस तरह से देखा करें, जब भी क्वेश्चन हो ना तो क्वेश्चन करने का मतलब ही चॉइस देना, वरना वो डायरेक्ट बोलते हैं कि आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक एंड अ मूवी, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछ रहे तो इसलिए चॉइस दे रहे हैं। अगला, आई हैव अ डॉग डैश नो कैट्स। जब इसने नो कैट्स कहा तो इसका मतलब अपोजिट बात कर दी, जब अपोजिट बात कर दी तो बट यूज कर दी। बाकी एंड तो बहुत सिंपल है इसलिए मैं उसकी एग्जाम्पल नहीं करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे लेक्चर समझ आए हों, इसी को देखते हुए आप अपने बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे। शुक्रिया।